जय हिंद, गुड इवनिंग भाई लोग। तो आज बात करते हैं अपडेट नेम की। तो अगर आपको आईडी अपनी आईडी अपडेट नेम पे भेजना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें नेम चेंज अवेलेबल हो या ना हो उससे कोई डिपेंड नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट है जिसका नाम यहाँ पर डेविल है, इसमें लीलेम अकाउंट है। तो आपको अगर अपडेट नेम भेजना है सबसे पहले एडिट प्रोफाइल पर जाना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल यहाँ पे ऑप्शन ऐसा आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, देखिए आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऐड अदर नेम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऐड नाम का यहाँ पे आइकन दिखेगा, उस पर करके आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे क्या करना है, अपने प्रूफ का नाम डाल देना है, ठीक है। अपना जो प्रूफ है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है आपको, जैसे कि मेरे यहाँ प्रूफ का नाम है संदीप अग्रवाल, ठीक है। तो यहाँ पे संदीप अग्रवाल है, तो यहाँ से मैंने इसको देखकर यहाँ पे संदीप अग्रवाल कर लेता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग आप एकदम सही करना, ठीक है। तो आज आपको अगर आपके पास प्रूफ है फिर भी सही है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी सही है, ठीक है। आपको मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, ठीक है, कैसे आपका यहाँ पे देखिए फास्ट सर्विस, जैसे कि कितनी जल्दी आपके यहाँ पे अपडेट नेम पर हो जाए वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, संदीप अग्रवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ और मैच कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे एकदम सही है, करेक्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा करेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको बैक चले जाना है, अपनी प्रोफाइल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक ले लेना है, ठीक है। रिफ्रेश करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है, साइड में आपको आइकन मिलेगा थ्री डॉट का, ठीक है, थ्री डॉट का आइकन मिलेगा। उसके बाद आपको अपने सेटिंग में जाना है, लैंग्वेज सेटिंग में। देखिए अगर वैसे अगर सेटिंग में जाने से पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज में चले जाना है। लैंग्वेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे छठवें नंबर की यहाँ पे जो है तमिल की यहाँ पे लैंग्वेज आपको कर लेना है, ठीक है, तमिल की लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट वाली में आपको जाना है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे नेम एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। यहां पे आपको नेम एडिट का ऑप्शन दिखेगा सबसे टॉप पर, तो यहां पे लैंग्वेज चेंज है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे आपको लर्न मोर का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तमिल की लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर और कोई लैंग्वेज नहीं लगा रहा। उसके बाद सबसे नीचे जैसे आप लर्न मोर पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको देखिए एक यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं लिखा मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम में आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में आपको करना है, ठीक है, फर्स्ट स्मॉल लेटर में, और बीच वाला वर्ड आपको क्या करना है कैपिटल में करना है, बाकी सब स्मॉल करना है, फर्स्ट और बीच वाला, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड नाम में भी ऐसे अग्रवाल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अग्रवाल कर देना। उसके बाद स्पेस देकर आपको क्या लिखना है आपको मैं बता दूँ, एम डॉट, ठीक है, एम डॉट फिर डॉट सेक्सी, ठीक है, कर देना है यस ई एक्स वाई, ठीक है, डॉट लगा के यस ई एक्स वाई करना है। उसके बाद स्पेस देकर आपको क्या लिख देना है, टच स्पेस देना और क्या लिखना है आपको, टच लिख देना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, टच लिख देना है, टच लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीजन में आपको क्या करना है, लीगल नेम चेंज, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरे यहाँ पे लगा होगा जैसे मैंने किया है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है अगर आपको फास्ट जल्दी से यहाँ पे अपडेट नेम पे भेजना है तो, ठीक है। आपको लीगल नेम चेंज पे यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन होगा यहाँ पे देखिए रीज़न ऑफ नेम चेंज का, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पाँचवें नंबर का, ठीक है, ऊपर से पाँचवा नंबर जो है ऊपर से उसको वाला रीज़न कर लेना है, वो है लीगल नेम चेंज का, ठीक है, लीगल नेम चेंज है, ठीक है। भले आप ऐड निकनेम की ओर, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, लीगल नेम चेंज करना है, जैसे जैसे मैं किया हूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है, ये वाला कर लेना है पाँचवें नंबर पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो स्क्रीनशॉट है पहले स्क्रीनशॉट को आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट है उसको चूज़ कर लेना और यहाँ पर अपना ईमेल यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है, जो आपका ईमेल आईडी का आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने किया सेम टू सेम, पहले रीज़न फिर यहाँ पे एसएस फिर अपना ईमेल, ठीक है, देख लीजिए हाईलाइट में कर दिया इसीलिए। उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, सेंड कर देना है, इसीलिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आपका सबमिट भी नहीं होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कोई भी परेशानी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है,
सिंपल से देख रहे हैं आपको जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आपको सेम टू सेम करना है। एक बार आप कर दिए ठीक है, यहाँ पे देखिए सबमिट नहीं हुआ, फिर भी आपको क्या करना है यहाँ पे बैक आ जाना है ठीक है। फिर से आपको एक बार कर देना है, आपको दो दफ़ा कर देना है ठीक है, दो दफ़ा कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखना बैक आ जाना है ठीक है, फिर से एक बार और आपको कर देना है ताकि यहाँ पे जल्दी से अपडेट आपका हो जाए ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा फिर से बैक आ जाना है ठीक है। यहाँ से मैं अपना सपोर्ट इनबॉक्स चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई मेल वगैरह आया है या नहीं ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई मेल वगैरह नहीं आया सपोर्ट इनबॉक्स में भी, तो मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर फॉर्म को फिर से फिलअप करता हूँ। इस बार सेम टू सेम प्रोसेस मैं कर लेता हूँ ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस कर लेता हूँ और इस बार मैं प्रूफ डाल देता हूँ ठीक है। प्रूफ डाल दूंगा, पहले मैं स्क्रीनशॉट से किया, अब यहाँ पे प्रूफ डाल देता हूँ ठीक है। तो सेम टू सेम मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा ठीक है, मैं यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस कर लेता हूँ। तो यार देखिए अपडेट नेम तो यार ऐसे भी स्क्रीनशॉट से भी जा सकता है, बट अगर आप प्रूफ लगाओगे ना तो काफ़ी फास्ट सर्विस हो जाएगी, फास्ट जल्दी से हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से आपको टेस्ट लिख लेना है ठीक है। इतना करने के बाद आपको रीज़न में फिर से वही रीज़न कर लेना है, लीगल नेम चेंज ठीक है, अगर ना है लीगल नेम चेंज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको अपना प्रूफ दिखाया था ठीक है। यहाँ पे इस बार आपको यहाँ पे ऐड निकनेम कर लेना है, क्या करना है ऐड निकनेम कर लेना है, जो भी हो छठवें नंबर पे आपको वही कर लेना, जैसे जैसे मैं किया हूँ वैसे कर लेना, क्योंकि यार लैंग्वेज है उसको तो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना प्रूफ सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ईमेल डाल देना है ठीक है, अपना जो आईडी का ईमेल है, डालने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे सेंड कर देना है। एक बार आपको सेंड कर देना, अगर नहीं भी सेंड होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान नहीं होना ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और सेंड करके आपको सिंपल सा क्या करना है, वेट करना है ठीक है। मैं एक बार और सेंड कर देता हूँ और सिंपल से यहाँ पे क्या करता हूँ, वेट करता हूँ, या तीन बार इसको भी कर देता हूँ, थ्री बार तीन बार उसको, तीन बार इसको कर देता है। देखिए अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊँगा ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ। देखिए आपको ऊपर से टाइम दिखा देता हूँ, वेट कीजिए, 1:10 हो रहा है ठीक है। तो फाइनली देखिए यहाँ पे दो ही मिनट में आप चेक कर सकते हो, दो ही मिनट पे मेरा आईडी अपडेट नेम पे चला गया ठीक है। आप चेक कर सकते हो, वही अकाउंट है, नंबर भी आप चेक कर सकते हो, ईमेल भी अभी मैं यहाँ पे कर दूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा यूनिक वगैरह की तो मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है। यहाँ पर मैं अपने आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, पासवर्ड गलत है तो मैं करेक्ट पासवर्ड डाल लेता हूँ ठीक है। तो अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करता और दिखा देता हूँ, यहाँ पर ओके कर लेना है आपको। उसके बाद देखिए आपको दिखा देते हैं अपडेट नेम पे चली गई है। या इसी तरह आप अपना अकाउंट अपडेट नेम पे भेज सकते हो। और आपको बता दूं अगर आपको वीडियो पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करना, और यार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अकाउंट अपडेट नेम पे गया कि नहीं गया। नहीं जाता है तो आप यहाँ पर इंस्टा पर कॉन्टैक्ट करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय लोग, नेक्स्ट वीडियो और भी धमाकेदार हो।